अभी हमारे यहाँ पूर्वांचल के कई लोग पूरी एक साइड हमारा उस वाला ब्लॉक में पूरी साइड हमारी ये ले चुके हैं हाँ, उस वाली साइड में हो गए करीब करीब मान के चलिए 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट की वो ब्लॉक हमारा बुक हो मामला है कि लोग एक नहीं 10 बार कंफर्म करते हैं क्योंकि बड़ी पूंजी लगती है सब बिल्कुल बिल्कुल तो संतुष्ट होना भी जरूरी बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल एड रोड डामर सब मैं करके दे रहा हूँ ये इन फ्यूचर कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये मान के चलिए हमारी ये बरसात के बाद तो डामर पड़ेगा उससे पहले जो हमारे डेवलपमेंट आप देखिए नमस्कार साथियों प्रॉपर्टी हब के एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं देवेंद्र आज एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट की बहुत ही अच्छी डील पे आया हूँ गोमती नगर में हम लोग खड़े हुए हैं एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ से आपको फिनिक्स प्लाजियो ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं मिलेगा आपका एकाना डिस्टेंस पर नहीं मिलेगा मतलब जितने भी गोमती नगर के बड़े बड़े हब हैं जो भी आप कह सकते हैं घूमने लायक जगह हैं वो यहाँ से बहुत ही कम दूरी पर हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ के जानकार आरिफ जी को बुला लेते हैं उनसे पूरी जानकारी लेते हैं तो आरिफ जी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे हमारी फैमिली को हेलो बोल दी भैया नमस्कार तो इस बार सिकाल क्या डील है डील हमारी ये है लोकेशन ये है भैया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारी लेफ्ट हैंड पे साइड है 200 मीटर पे साइड है हमारी 200 मीटर पे ये आप देख रहे हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वहाँ से आप जैसे ही टर्न आउट करेंगे ये आपका साइड मात्र 250 मीटर कह सकते हैं 200 से 250 मीटर अच्छा आप बेसिक एमिनिटीज की बात करें कि यहाँ से क्या चीज कितनी दूरी पे मिल जाएगी लोगों यहाँ से 6 किलोमीटर पे आपका एकाना ठीक है और यहीं से आपकी जो जेल का रास्ता जा रहा है आपका यहाँ से जेल का रास्ता मुश्किल से होगा 2-3 किलोमीटर पे 2-3 किलोमीटर हाँ, रास्ता मतलब आपका फिनिक्स प्लाजियो 6 किलोमीटर हाँ, एकाना 6 किलोमीटर और जनेश्वर पूछे अगर जनेश्वर भी यहीं से 4 किलोमीटर रख लीजिए मतलब नियर बाई में सारी चीजें मिल रही है और यहाँ लोकेलिटी की बात करें तो लगभग आप एक बार कैमरा घुमाएंगे चारों तरफ देखेंगे मकान बने हुए हैं ऑलरेडी लोग रह रहे हैं यहाँ पे यहाँ से हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दिखता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखता है उसके पिलर देखिए दिख रहे हैं लाइटिंग वगैरह उसकी दिख रही है वो लाइटिंग दिख रही है बाकी सिनेमैटिक के भी थ्रू हम आपको दिखाते रहते हैं वो दिखाते रहेंगे बकायदा अब हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो कितने फीट चौड़ी रोड रहेगी किसके अंतर्गत आता है हमारी जो मेन रोड हमने डाली है अंदर से वो हमारी 30 फीट है मतलब वो मेन रोड 30 फीट है हमारी 30 फीट है गेटेड कॉलोनी रहेगी और हमारी ये 25 आपको चलते चलते दिखाते रहते हैं ताकि आपको करीब अंदर की रोड है जो हमारी 25 फीट की है ये 25 फीट है ये 25 फीट की रोड है इस 25 फीट को नाली हटा के 25 हाँ नाली हटा के 25 फीट हाँ वैसे तो बढ़ जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पर हमारी ये योजना है कोई रास्ता हमने अलग से नहीं दिया है किसी की एंट्री अलग से नहीं मतलब किसी और की एंट्री इसमें कोई नहीं से कोई साइड डालता है बगल में हमारे में कर लेता है ऐसी कोई साइड में हमने छोड़ी नहीं जगह जो किसी को हम दें उससे तो ये होता है कि हमारी एक सेपरेट कॉलोनी सेपरेट कॉलोनी होती है तो सबसे पहले पूछेंगे आपसे अपनी ये कितने बीघे की पूरी प्लानिंग होगी ये हमारी 3 बीघे की प्लानिंग 3 बीघे की प्लानिंग है जिसमें अपने पास क्या खाली प्लॉट साइज है या इन फ्यूचर हम इसमें रॉ हाउसेज ये सारी की रॉ हाउसेज भी हम बना रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम वहाँ से मतलब जहाँ से हमारी एंट्री है वहाँ से हम रो हाउस सिनेमैटिक के थ्रू आप देख रहे होंगे ये हमारी एंट्री है यहाँ से पूरी हमारी एंट्री वहाँ से हमारी एंट्री है और यहीं से एंट्री होते हुए एक तरीके से कहते हैं यहाँ पे हमारा गेट लग जाएगा यहाँ हमारा गेट लगेगा और यहाँ से थोड़ा आप एंटर करेंगे ये हमारी पूरी एक तरीके से गेटेड सोसाइटी होगी इसमें आपको हर ही डायमेंशन में बने हुए मकान मिलेंगे वो मकान मिलेंगे प्लस प्लॉट्स मिलेंगे इसको मैं डामर भी करके दूंगा ये डामर रोड लाइट रोड डामर सब मैं करके दे रहा हूँ ये इन फ्यूचर कब तक कम्प्लीट हो जाएगा ये मान के चलिए हमारी ये बरसात के बाद तो डामर पड़ेगा उससे पहले जो हमारा डेवलपमेंट आप देख ही रहे हैं ये आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें कम्प्लीट कम्प्लीट है बाकी लाइट आपका हो गया बाकी जो फैसिलिटीज होती है लाइट कह सकते हैं 15-20 दिन एक महीना हद से हद में कंप्लीट हाँ कंप्लीट कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे ये डामर इसलिए डाल रहा हूँ भी बरसात आ जाएगी फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी हमको तो बरसात के बाद डामर डालेंगे क्योंकि जो मट्टी वगैरह बैठना होगी बैठ जाएगी अच्छे से अच्छा और उसके बाद जो है हम डामर डाल देंगे अब इसमें हम आपसे बात करेंगे पेड़ वगैरह भी लगाने की हमारे प्रोजेक्ट ग्रीनरी का मतलब वो पूरा ख्याल रखेंगे चलिए वो भी आपके लिए ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कहीं पे भी प्लॉट ले रहे हैं या कुछ भी पेड़ के ऑर्डर वातावरण आपको शुद्ध मिलना शुद्ध मिलेगा बाकी ये सारी प्लानिंग आगे तक की हमारी डेवलप होनी है पूरी है हाँ ये पूरी होनी इस साइड पे पीछे का आप कह सकते हैं पूरा ये पूरा डेवलप करना ग्रामीण क्षेत्र में आता है वो पूरा खेती का वो है बट यहाँ जहाँ से हमारी प्लानिंग शुरू होती है यहाँ से बैक साइड पे पूरा सब लोग रह रहे हैं भारी घनी पूरी आबादी है अब हम बात करेंगे इसमें प्लॉट साइजेस की क्या प्लॉट साइजेस है मिनिमम और मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट भी है हमारे पास
मिनिमम 1000 है और मैक्सिमम आप जितना चाहें कॉर्नर भी अभी आपको मिल जाएंगे। दाखिल खारिज लैंड है? दाखिल खारिज लैंड है हमारी। चलिए दाखिल खारिज लैंड 143 भी है, 143 आवासीय है आपके लिए, सामान्य की लैंड है पूरी, सामान्य की है पूरी जी। तो कोई कभी इन फ्यूचर भी कभी किसी कोई दिक्कत नहीं होनी। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए इन फ्यूचर आप जब रॉ हाउसेस बनाते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट का रॉ हाउस का क्या प्राइस कोट करेंगे? रो हाउसेज हमारे मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट का कम से कम जो है 35 से 40 लाख रुपए का, 35 से 40 लाख रुपए यहाँ बना के देंगे। और हर एक चीज ब्रांडेड, हर चीज मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट टूटी वगैरह शावर वगैरह सब चीज, सारी चीजें मैं कंप्लीट करके दूंगा, फॉर सेलिंग से लेके लाइटिंग तक सारी चीजें और सब ब्रांड दूंगा सारी। एंकर के RR के वायर होंगे, एंकर के स्विच होंगे, लाइटिंग होगी जो 2 साल गारंटी भी होगी और 5 साल में 5 साल की उसकी टोटी वगैरह की होंगी। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के मुझे करना ही करना है फिलहाल। और यहाँ पे जमीन का अगर कोई पूछे तो जमीन के भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास? जमीन देखिए आज के समय में यहाँ पर और भी साइडों पे आप रेट लेंगे तो 1500 से 1600 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है। अभी मैंने इसलिए 1299 का रेट रखा है, 1299 का जो रेट रखा है ये समझ लीजिए अभी हमारे इस एरिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। 1400 से 1500, 1700, 1800 का रेट है सुल्तानपुर रोड का, आप जान ही रहे हो। कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि जो भी आएगा एक बार पता जरूर करेंगे, बिल्कुल करेगा क्योंकि मैं पहले ही से विजिट करने के बाद ही मैंने अपनी जमीन साइड डाली है। ऐसा मामला है कि लोग 1 नहीं 10 बार कंफर्म करते हैं क्योंकि बड़ी पूंजी लगती है सब। बिल्कुल, संतुष्ट होना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो संतुष्टि हम पूरी तरीके से देंगे कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी। अभी हमारे यहाँ पूर्वांचल के कई लोग पूरी एक साइड हमारा उस वाला ब्लॉक में पूरी साइड हमारी ये ले चुके हैं हाँ, उस वाली साइड में हो गए करीब करीब मान के चलिए 7-8 हजार स्क्वायर फीट की ब्लॉक हमारा बुक हो चुका है। कॉर्नर के फ्रंट के जितने हमारे बुक हो गए, कह सकते हैं गोमती नगर निरंतर गोमती नगर भी बढ़ता ही जा रहा है। पहले गोमती नगर था, फिर गोमती नगर एक्सटेंशन हो गया, फिर वो बढ़ते ही चला जा रहा है। गोमती नगर से सबसे पास में आपको एक तरीके से कह सकते हैं पास क्या, थोड़ा बहुत डिस्टेंस ऊपर नीचे होता रहता है बताने में और देखने में, एग्जैक्ट तो सरकार भी नहीं बता सकती, बोर्ड पे लिखा होता है लेकिन उससे ज़्यादा ही होता है कह सकते हैं तो वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आपसे एक बार फिर से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछेंगे, प्राइस पूछेंगे, हमारी फैमिली से कोई आता है तो नेगोशिएबल होगा वो सारी चीज़ें आपके माध्यम से आ रहे हैं जो आएंगे, आप जानते भी हमारी और भी साइडें आपने देखी हैं। बिल्कुल, तो जो निगोशिएशन हो सकता था मैंने किया। अभी स्टार्टिंग है, जो भी आप करेंगे जो रेट होगा उसको बैठ के काउंटर पे देख लिया जाएगा, ऑन द टेबल आपके लिए हर एक चीज जो आप चाहेंगे। फाइनेंस की भी सुविधा है? क्या फाइनेंस की सुविधा? फाइनेंस की सुविधा ये है जिसे मान लीजिए प्राइवेट बैंकों से तो है ही है, प्राइवेट बैंकों से हो जाएगी, LIC है, HDFC वगैरह है, इन सब चीजों से हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप मकान रो हाउसेस बनाना चाह रहे हैं, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे आपको मकान ही बना के लेना है P+C वगैरह, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, वो भी मैं करके दे दूंगा, वो भी आप करके देंगे। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए प्रॉपर, हमारे प्रॉपर होने चाहिए, हमारे सब लीगल सामान चेक है क्योंकि वो फाइनेंस कराना वो बैंक के हाथ में होता है। वो भी वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर चेक करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें उसी अकॉर्डिंग करेंगे लोन। तो आपने क्या रेट बताया था यहाँ का? हमने यहाँ का 1299 रुपए। 1299 तो हमारी फैमिली से आएगा, उसके लिए कोई सम्मान जो होगा बिल्कुल देखा जाएगा, बिल्कुल सम्मान रखा जाएगा। आपसे और भी पूछेंगे कि अगर लखनऊ के और भी किसी कोने में अगर कोई हमारी फैमिली से आता है तो अपने पास अवेलेबिलिटी है? हाँ बिल्कुल है। किस किस जगह पे होगी? जैसे मान लीजिए हमारी आपकी सुल्तानपुर रोड पे एक साइड है, वहाँ मकान मिल जाएंगे आप, ठीक है। हमारे कुर्सी रोड पे भी मकान है, जानकीपुरम में भी है, ठीक है। हमारी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है आप जब देखोगे निकलोगे आप उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस के पुल के बगल से ही लेफ्ट हैंड को रास्ता आया है चांदसराय को। अच्छा ये चांदसराय लगता है, चांदसराय एरिया लगता है। गोमती नगर भी आप कह सकते हैं, लगभग गोमती नगर फैलता जा रहा है। गोमती नगर से मतलब टच में ही है सारी चीजें, अगर आपको 7-8 किलोमीटर में मिल रही तो गोमती नगर माना जाएगा उसका। तो आपको लोकेशन बता दी, आपको प्राइस बता दी, कॉल टाइमिंग आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सोने अर्जुनपुर वगैरह जो है आपके सब बगल में ही है, अर्जुनगंज वगैरह, हाँ ये सब अर्जुनगंज तेलीबाग ये सब नियर बाई में आपके वो पड़ेंगे। और फिलहाल शहीद पथ से तो आप कहीं की भी कनेक्टिविटी कनेक्ट कर सकते हैं। शहीद पथ से पहले ही आपका किसान पथ है, अच्छा आउटर रिंग रोड भी है, वो भी बनना है, वो भी बनना है जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर रहेगा आगे चल के, इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। तो ये थे आरिफ जी जो आपको यहाँ के प्लॉट के एरिया दिखा रहे हैं आपके। इनको आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में और क्या कहते हैं आई बटन के थ्रू हम आपको देते रहते हैं, आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। तो आरिफ जी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी फैमिली को दूसरे वीडियोज़ दिखाते हैं प्लॉट के लिए। प्लॉट एरिया इस बार लेके आए थे, पिछली बार इन्होंने जानकीपुरम में आपके लिए मकान दिखाया था। तो आप वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो हम अब तक लेके आते रहते हैं, चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।